हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेल्यूर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एयर ब्रेक सिस्टम में जो कंटिन्यूटी टेस्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, अभी केवल हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल और ये कब किया जाता है, तो कंटिन्यूटी टेस्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये टेस्ट है। क्या करते हैं, इंश्योर दैट बीपी प्रेशर गेट रिलीज और क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन और रिलीज साइमल्टेनियसली इन ब्रेक पाइप ऑफ ऑल वैगन। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। इसको किस तरह से समझें, तो देखिए मैं एक थोड़ा सा एक आपको रफ स्केच बना देता हूं। ये स्टार्टिंग में हमारा लोको हो गया और ये हमारा लास्ट व्हीकल और ब्रेक वैन हो गया। ये पूरी हमारी ट्रेन है। अगर ये पूरी हमारी ट्रेन है और ये जो लोड है वो 56 बक्सों का लोड है, 56 वैगन इसमें अगर है, लोको को अगर रिमूव कर दिया जाए तो यहां से लेके जो हमारा आखिरी है ब्रेक वैन को अगर हम उसमें काउंट कर लेते हैं तो 56 प्लस 1 हो जाएंगे। तो अगर हमारा ये इतने का लोड है तो लोको से जो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो हमें मालूम है बीपी पाइप में जो ये ऊपर वाला ब्रेक पाइप क्लियर हो गया और ये नीचे फीड पाइप क्लियर हो गया, तो ब्रेक पाइप में जो प्रेशर रहता है वो हमारा 5.0 रहता है। जबकि इसी तरह से आखिरी वाले ब्रेक वैन में जो प्रेशर होना चाहिए वो 5.0 का होना चाहिए और फीड पाइप में जो प्रेशर रहता है वो हमारा 6.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो आखिरी वाले ब्रेक वैन में या हमारा जो भी लास्ट व्हीकल है उसमें जो प्रेशर होना चाहिए वो 6.0 का होना चाहिए। क्योंकि ये पूरा सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट वैगन अटैच करके बनाया गया है जिसमें कहीं पे भी लीकेज हो सकता है, तो जो लीकेज है वो हमारा कितना परमिशेबल है, अगर 56 तक का लोड है तो 4.8 का सेंटीमीटर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो हमारा प्रेशर है वो आखिरी वाले ब्रेक वैन में या लास्ट व्हीकल में हो सकता है, जबकि फीड पाइप में 5.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो इसका मतलब हुआ 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें लीकेज जो है दोनों पाइप में परमिशेबल है, बीपी पाइप में भी और एफपी पाइप में भी। अगर 56 वैगन से ज्यादा अगर हमारे किसी रैक में वैगन लगे हुए हैं तो उस केस में जो लास्ट व्हीकल है वहां पर हमारा 4.7 और बीपी पाइप का हो गया और एफपी पाइप में 5.7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए, यानी 0.3 का वहां पर लीकेज अलाउ है। तो यही इसी को चेक करने के लिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। लोको से हम प्रेशर बनाते हैं और स्टार्टिंग से लेके आखिरी वैगन तक या फिर ब्रेक बैन में उस प्रेशर को चेक करते हैं कि यहां पर प्रेशर कितना आ रहा है। अगर हमारे फर्स्ट लोको से प्रेशर जो हमारा 5.0 का सप्लाई हो रहा है तो क्या ब्रेक बैन में 5.0 या 4.8, क्योंकि हमें 0.2 का लीकेज परमिशेबल है 56 के केसेस में, तो क्या यहां पर वहां इतना प्रेशर है
यहां से बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हैं लोगों से, यानी बीपी प्रेशर जीरो किया जाता है, और गार्ड उसको यहां पर चेक करता है क्या ब्रेक वैन में बीपी प्रेशर जीरो हुआ। अगर जीरो हो जाता है तो ठीक है, सेकंड कंडीशन में बीपी प्रेशर दोबारा से बनाया जाएगा और गार्ड इसको यहां पे ब्रेक वैन में चेक करेगा क्या बीपी प्रेशर बना। नेक्स्ट कंडीशन में गार्ड जो है यहां से बीपी प्रेशर को जीरो करेगा, तो यहां पर उसको लोको में जो ड्राइवर है उसको देखेगा क्या यहां से जो प्रेशर सप्लाई हो रहा था बीपी का, वो उसमें भी प्रेशर इंडिकेटर में क्या बीपी का प्रेशर जीरो हुआ, क्योंकि गार्ड ने यहां पे इमरजेंसी या बीपी प्रेशर को डिस्ट्रॉयड किया। तो एक साथ क्या ब्रेक वैन में जीरो प्रेशर करने पर क्या लोको से जहां सप्लाई हो रहा है वहां पे गेज में बीपी प्रेशर जीरो सो हो रहा है, या लोको द्वारा जब प्रेशर फुल बनाया जा रहा है तो क्या आखिरी ब्रेक वैन में या लास्ट व्हीकल में प्रेशर हमारा उतना जा रहा है जो परमिशिबल लिमिट है। तो इसी के लिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट हो गया, अब हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं जल्दी से। हालांकि मैंने वर्किंग आपको बता दी किस तरह से वर्किंग होती है, वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फर्स्ट क्रिएट बीपी प्रेशर, फर्स्ट क्रिएट बीपी प्रेशर 5.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रॉम लोको, नंबर एक हो गया। सेकंड, नाउ बीपी प्रेशर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम ब्रेक वैन लास्ट व्हीकल। अगर हमारे पास ब्रेक वैन नहीं है तो जो भी आखिरी व्हीकल है वहां से हम बीपी प्रेशर को डिस्ट्रॉयड करेंगे, एंड इन डूइंग सो, और जब हम ऐसा करते हैं द बीपी प्रेशर इन लोको शुड ऑल्सो बिकम जीरो। जब हमने गार्ड ब्रेक वैन में बीपी प्रेशर को जीरो किया तो उस दौरान लोको में भी हमारा प्रेशर जीरो हो जाना चाहिए। नंबर तीसरा जो हमारा हो जाएगा, वंस अगेन बीपी प्रेशर क्रिएटेड, यानी दोबारा से हमें बीपी प्रेशर क्रिएट करना है फ्रॉम लोको एंड चेक बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल। फोर्थ हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, इन केस एनी डिसकंटिन्यूटी ऑफ लिक लीकेज, या कोई भी डिसकंटिन्यूटी हो रही है या फिर लीकेज हो रहा है इन बीपी, द राइज ऑब्लिक फॉल, जब हम उसको प्रेशर को बढ़ा रहे थे या गिरा रहे थे इन बीपी प्रेशर, इन लोको शैल नॉट कॉज राइज और ऑब्लिक फॉल इन बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन और लास्ट व्हीकल। यदि कोई भी डिसकंटिन्यूटी होती है या लीकेज होता है बीपी में, तो उस कंडीशन द राइज एंड फॉल इन बीपी प्रेशर इन लोको सेल नॉट कॉज राइज एंड फॉल इन बीपी प्रेशर इन ब्रेक वैन। अगर हमारे इस यहां पर कहीं पर भी पाइप हमारे लगे हैं, या एयर होस पाइप है, या एंगल कॉक लगे हुए हैं, या डीबी है, जो हमारा एयरब्रिक सिस्टम है उसमें कहीं पर भी लीकेज हो रहा है, जो परमिशिबल लीकेज है वो मैंने आपको बता दिया, उससे ज्यादा अगर कहीं लीकेज हो रहा है तो लोको से जो प्रेशर हम बना रहे हैं या उसको ड्रॉप कर रहे हैं उस आधार पे हमें ब्रेक वैन में प्रेशर का राइज या फॉल नहीं मिलेगा अगर हमारा लीकेज होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी टेस्ट अब हम कब करते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या प्रोसीजर है इसको भी। थैंक यू फ्रेंड्स।